हेलो दोस्तों, लॉजिकल लोर में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की सैलरी के बारे में। जो सैलरी हम बताने वाले हैं वो बीसीसीआई की तरफ से दिए गए आंकड़ों पर बेस्ड है। वैसे तो दुनिया का सबसे फेमस और पॉपुलर गेम फुटबॉल है, लेकिन क्रिकेट भी पीछे नहीं है। ये दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलर गेम है। वैसे तो ये इंग्लैंड का नेशनल गेम है, लेकिन हम इंडियंस के लिए भी ये नेशनल गेम से कम नहीं है। हमारे लिए क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि हम सब इससे दिल और दिमाग से जुड़े हुए हैं। अपनी इंडियन क्रिकेट टीम का हौसला बढ़ाने के लिए हम सब कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। 133 करोड़ इंडियंस की दुआओं का ही असर है कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। इंडियन क्रिकेट टीम को हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की कमाई के बारे में। बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को चार पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी ए प्लस, ए, बी और सी। नए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ए प्लस ग्रेड के प्लेयर्स को 7 करोड़ रुपए पर ईयर, ए ग्रेड के प्लेयर्स को 5 करोड़ रुपए पर ईयर, बी ग्रेड प्लेयर्स को पर ईयर 3 करोड़ रुपए और सी ग्रेड प्लेयर्स को पर ईयर 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। आइए जानते हैं ए प्लस ग्रेड में शामिल प्लेयर्स के बारे में। नंबर 1, विराट कोहली। विराट कोहली इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। इनका शुमार दुनिया के टॉप क्लास के बैट्समैन में होता है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बाद से इन्हें रन मशीन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, रोहित शर्मा। ए प्लस ग्रेड में शामिल दूसरे खिलाड़ी हैं हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा। ये इंडियन क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन भी हैं। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में ये टीम की कमान संभालते हैं। इनको कैप्टनसी का काफी एक्सपीरियंस भी है। आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए ये उसे 4 बार खिताब जिता चुके हैं। मुंबई इंडियंस इकलौती ऐसी टीम है जिसने 4 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है। नंबर 3, जसप्रीत बुमराह। ये दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बॉलर्स में से एक हैं और इंडियन टीम के लिए तो किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। जब भी कैप्टन को विकेट की जरूरत होती है वो अपने सबसे बड़े बॉलर की तरफ देखते हैं और ज्यादातर मौकों पर बुमराह विकेट निकाल कर देते हैं, वो भी खासकर ऐसे मौकों पर जब बैट्समैन सेट हो चुके होते हैं। इसके बाद बात करते हैं ए ग्रेड खिलाड़ियों की। नंबर 1, महेंद्र सिंह धोनी। इस ग्रेड में शामिल खिलाड़ियों में पहला नाम है इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे कामयाब कप्तान रह चुके महेंद्र सिंह धोनी का। ये पूरी दुनिया में सबसे मशहूर खिलाड़ियों में से एक हैं। इन्होंने अपनी कैप्टनसी में इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया है और ये इकलौते ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने क्रिकेट की हर एक ट्रॉफी को जीता है। नंबर 2, शिखर धवन। शिखर धवन इंडियन टीम के ओपनर बैट्समैन हैं। इनको लोग गब्बर भी कहते हैं। ये जब बैटिंग करने आते हैं तो किसी भी बॉलर को नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा बॉलर क्यों ना हो। नंबर 3, मोहम्मद शमी। ए ग्रेड खिलाड़ियों में शामिल तीसरा नाम है फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी का। ये ज्यादातर स्टार्टिंग और लास्ट के ओवर करते हैं। इनकी बॉल एकदम सटीक ठिकाने पर गिरती है जिससे बैट्समैन को शॉट खेलने में काफी दिक्कत होती है। नंबर 4, भुवनेश्वर कुमार। ये भी इंडियन टीम के फास्ट बॉलर हैं। ज्यादातर इंडियन टीम इनसे शुरुआत के ओवर करवाती है और ये कामयाबी भी दिलवाते हैं। नंबर 5, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा इंडियन क्रिकेट टीम के एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। ये बॉलिंग और बैटिंग तो अच्छी करते ही हैं, साथ ही साथ ये फील्डिंग भी बहुत ही अच्छी करते हैं। ए प्लस और ए ग्रेड के खिलाड़ियों की बात तो हो गई, आइए अब जानते हैं बी ग्रेड के खिलाड़ियों के बारे में। नंबर 1, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इस वक्त इंडियन टीम ही नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक हैं। इनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों कमाल की हैं। ये कभी भी अपना जलवा दिखा सकते हैं। मैच चाहे कितनी ही बुरी सिचुएशन में हो, ये आकर मैच का रुख अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है, इसीलिए ये इंडियन टीम के सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं। नंबर 2, कुलदीप यादव। ये दुनिया के खतरनाक स्पिन बॉलर में से एक हैं। इनकी बॉलिंग इतनी खतरनाक है कि बैट्समैन ये समझ ही नहीं पाता है कि बॉल कब और कहां घूमेगी। अपनी इसी काबिलियत की वजह से ये बैट्समैन को काफी परेशान करते हैं। नंबर 3, केएल राहुल। आईपीएल में अपनी जबरदस्त बैटिंग का जलवा दिखाने वाले केएल राहुल को पहली बार वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये आईपीएल की ही तरह वर्ल्ड कप में भी अपनी बैटिंग का जलवा दिखा पाते हैं या नहीं। नंबर 4, यजुवेंद्र चहल। ये इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे उम्दा स्पिन बॉलर हैं और ये विराट कोहली के सबसे फेवरेट प्लेयर भी हैं। इनकी और कप्तान विराट कोहली की दोस्ती भी काफी गहरी है। आइए अब इसके बाद जानते हैं सी ग्रेड के खिलाड़ियों के बारे में। नंबर 1, दिनेश कार्तिक। ये बैटिंग के साथ साथ कीपिंग भी करते हैं। वैसे तो इंडियन क्रिकेट टीम में विकेट कीपिंग का सिर्फ एक ही राजा है और वो है महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की गैर मौजूदगी में दिनेश कार्तिक को अपनी कीपिंग का जलवा दिखाने का मौका मिलता है। इस बार वर्ल्ड कप में इनको भी मौका दिया गया है और लोगों को इनसे काफी उम्मीदें भी हैं। अब देखना ये होगा कि ये लोगों की उम्मीदों पर कितना खरे उतरते हैं। नंबर 2, केदार जाधव।
वैसे तो केदार जाधव एक बहुत ही लाजवाब बैट्समैन है, लेकिन इनकी बॉलिंग भी किसी लिहाज से कम नहीं है। इनका बॉलिंग एक्शन बड़े ही अलग तरीके का है, जिसे देखकर काफी लोग इनका मजाक भी बनाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी खिलाड़ियों की कमाई बताई है, ये इन्हें सिर्फ BCCI देती है। इससे कहीं ज्यादा कमाई ये खिलाड़ी एडवर्टाइजमेंट और बिजनेस से भी कर लेते हैं। अगर आप इनकी टोटल कमाई जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।